और आज के लिए अपनी ऑनलाइन वीडियो क्लास में लेकर आया हूं आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉग कार्ड यानी तुष्टि पत्रक की बनावट। देखो दोस्तों टॉपिक देखते हैं, क्या नाम इसका? सूची पत्रक की बनावट। सूची पत्रक की बनावट। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2016 एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सूची पत्रक की बनावट। ठीक है दोस्तों, अब सूची पत्रक की बनावट से पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों एक तो जो इसका विकास हुआ था इसका फ्रांस में। कहां हुआ था? फ्रांस में इसका विकास हुआ था, फ्रांस में। और फ्रांस में हुआ था दोस्तों 1791 में। कब हुआ था? 1791 में फ्रांस में 1791 में सूची पत्रक की विकास हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या है? सूची पत्रक है दोस्तों। देखो पहले तो मैंने आपके लिए बता दिया कहां पर विकास हुआ, फ्रांस में। कब हुआ? 1791 में। अब देखो सूची पत्रक में, देखो दोस्तों इसकी साइज देखते हैं, साइज है इसकी 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्या है? साइज है। इंच में बात करेंगे तो 5 × 3 कितनी है? 5 × 3 कोई तो सेंटीमीटर हुआ इंच में है। अब देखते हैं दोस्तों इसके जो ऊपर वाला भाग है जिसमें काल्पनिक रेखा होती है 3, कितनी होती है? 3। बना दो काल्पनिक रेखा, ये क्या है इसकी? काल्पनिक रेखा। ये क्या हो गए दोस्तों? काल्पनिक रेखा कैटलॉग कार्ड की। अब दोस्तों देखते हैं, एक काल्पनिक रेखा होती है सीधी खड़ी हुई, ठीक है, आड़ी तो 3 और खड़ी हुई 1 काल्पनिक रेखा हो गई। ठीक है, और ये साइज मैंने बताई दी सेंटीमीटर और इंच में बता दिया आपके लिए। इसके बाद बात करूंगा दोस्तों मैं, इसमें एक या तो दो खड़ी वाली लाइन, एक ये आड़ी वाली लाइन, ठीक है, यह रहती है लाल स्याही से बनी हुई। किस स्याही से बनी होती है? लाल, जो मैंने लाल स्याही से बना रखी है। तो ठीक है, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, 3 काल्पनिक रेखा होगी, एक और एक ये वाली, एक ये वाली, एक वाली, 3 हो गया है ना। तो सॉरी काल्पनिक रेखा नहीं, ये 3 रेखा होगी, किससे बनेगी? लाल स्याही से। कौन से कलर से? लाल स्याही से। ठीक है, आपसे एग्जाम से पूछ लिया जाएगा कि लाल स्याही से कितनी लाइनें बनी होती है, तो 3 लाइनें बनी होती है ना। और ऊपर की तरफ ये क्या है? 3 काल्पनिक रेखा। ठीक है,
ये वाली और एक ये वाली, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, ठीक है। ये क्या है? तीन काल्पनिक रेखा ऊपर की साइड, तीन काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी रेखा है, ठीक है, तीन काल्पनिक रेखा ऊपर की साइड। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें एक नीचे की साइड होता है छिद्र, क्या होता है? छिद्र होता है, ठीक है। ये छिद्र क्या है दोस्तों? छिद्र ये है, छिद्र नीचे की साइड एक छिद्र होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर की साइड होता है, ठीक है, 1 से 2 सेंटीमीटर ऊंचा कार्ड है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, ये वाला भाग तो बाया किनारा कहलाएगा, कौन सा किनारा? ये वाला, ये तो कहलाएगा बाया किनारा, बाया किनारा, ठीक है, बाया भाग भी बोल सकते हैं, बाया भाग। और वो वाला भाग कहलाएगा दोस्तों दाया भाग, बाया और दाया भाग या बाया किनारा, ठीक है दोस्तों। ये बात आ रही है आप लोगों की समझ में? अब आगे चलते हैं, आगे बात करूंगा मैं, ये वाली लाइन है, ये है प्रथम ऊर्ध्व रेखा, प्रथम ऊर्ध्व रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट वर्टिकल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये है द्वितीय ऊर्ध्व रेखा, ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट वर्टिकल, ठीक है, ये हो गई सेकंड वर्टिकल, ठीक है दोस्तों। और ये है तृतीय काल्पनिक रेखा, तृतीय काल्पनिक रेखा, ठीक है दोस्तों, ये वाली डॉट 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 वाली, ठीक है, यानी इमेजिनरी लाइन हो गई दोस्तों, ठीक है, थर्ड इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइन, ठीक है दोस्तों। ठीक है, थर्ड इमेजिनरी। इसके बाद देखते हैं, ये छिद्र है 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर की साइड रहता है। अब ये छिद्र में क्या लगाया जाता है, यानी सूची पत्र में जो नीचे की साइड जो छिद्र होता है उसमें एक लंबी, ठीक है, राड टाइप मान लो, एकदम लंबी ऐसी होती है दोस्तों, ऐसी होती है एकदम लंबी छड़ होती है, और छड़ के जो ऊपर वाले भाग में है ये पेचदार कुंडी लगी होती है, क्या लगी होती है? पेचदार घुंडी, क्या लगी होती है? पेचदार घुंडी लगी होती है इसमें, इस छड़ को इसके अंदर डाला जाता है। और मेन कारण है डालने का इसमें, क्योंकि जो सूची पत्रक है उसमें क्या नहीं हो, टूट फूट नहीं हो, मुड़े नहीं, पाठक किसी भी प्रकार के आते हैं जो पत्रक रखते हैं, तो पहले क्या निकालने से पहले ये क्या है ना, सूची पत्रक दराज के अंदर रखा जाता है, और दराज होती है वे लकड़ी की होती है, ठीक है, और उसे एक धातु के अंदर रख दिया जाता है दराज को, ठीक है। अब दराज को खोलते ही खोलेंगे, खोल के अपन क्या निकालेंगे, छड़ निकालेंगे, छड़ निकाल जो सूची पत्रक में वो निकाल लेंगे अपन, फिर वापिस छड़ को लगा देंगे, यानी घुंडी से पैक हो जाएगा, तो सिस्टम से सेट रहेंगे। आगे बात करूंगा दोस्तों, छिद्र हो गया, दाया किनारा बाया किनारा हो गया, ठीक है, तीन काल्पनिक रेखा हो गई, ठीक है, और ये तृतीय काल्पनिक रेखा ये हो गई इसकी। इसके बाद देखो, इस वाले पार्ट में कितने डिजिट लिखे जाएंगे? 8 डिजिट, कितने डिजिट? 8 डिजिट, और ये 8 डिजिट काम में आएंगे एएसीआर में, किसमें लिखे जाएंगे? एएसीआर में
लिखे जाएंगे दोस्तों, आठ डिजिट। और ये आठ डिजिट देखो किस लाइन पर रहेंगे, एक दो तीन चौथी लाइन पर ये आठ डिजिट लिखे जाएंगे एएसआर में। अगली बात करूंगा मैं इस वाले की, इसमें लिखे जाएंगे दोस्तों चार डिजिट। कितने डिजिट लिखे जाएंगे, चार डिजिट। और ये चार डिजिट लिखे जाते हैं दोस्तों ट्रिपल सी में, किसमें लिखे जाते हैं ट्रिपल सी में, और आठ डिजिट लिखे जाएंगे एएसआर में। ठीक है, चार डिजिट ट्रिपल सी में लिखे जाएंगे, आठ डिजिट एएसआर में लिखे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं जानकारी दे देता हूं, एएसआर में जो अनुच्छेदों की संख्या होती है, अनुच्छेदों की संख्या वो होती है आठ। कितनी होती, आठ। ट्रिपल सी में अनुच्छेदों की संख्या होती है, अनुच्छेद वो होती है छह संख्या। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इन चीजों को याद रखना। ठीक है, और एएसआर में जो संकेत अनुच्छेद होता है, संकेत अनुच्छेद वो होता है आगे की साइड। ठीक है, आगे, और ये होता है पीछे वाले भाग में। ठीक है, इसमें जो संकेत अनुच्छेद होगा दोस्तों वो पश्चिम भाग में यानी पीछे की साइड रहेगा एएसआर में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखते हैं यहां पर दो डिजिट के वर्ड यानी संख्या लिखी जाएगी यहां पर, दो वर्ड। ठीक है, दो वर्ड, आठ चार दो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये अपना सूची पत्रक एकदम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन देखेंगे दोस्तों ट्रिपल सी और एएसआर के बारे में। तो आप इनकी जो जानकारी, नॉर्मल जानकारी वो लिख लीजिए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, कंप्लीट करा दिया गया है दोस्तों आपके लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।